हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी मॉर्निंग का टाइम है और थोड़ी देर पहले, आई थिंक 1 घंटे पहले मैं बाहर थी अपने बालकनी में, और वहाँ बाहर पे मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। और मैं चिड़ियों को दाना डालती हूँ, तो मॉर्निंग में मैं दाना डाल के ऐसी सूर्य भगवान से थोड़ी बातचीत कर रही थी। तब तक मेरी नज़र जो है मेरे एक पौधे पे पड़ी। लक्ष्मी बेल का एक पौधा था जो बहुत लंबी लंबी लताएं हो जाती है उनकी ऊपर। तो समय समय पर जब लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं और उसमें फूल कम आ रहे हैं, तो मैं उनकी कटिंग कर देती हूँ कि उन्हें नई ग्रोथ मिल पाए। इसलिए मैंने कट कर दिया था। अब ऊपर जो दीवारों पे जो सूखी लकड़ियाँ थी वो मैं नहीं हटा पाई, वो बहुत सूख गई थी और ऐसी पड़ी हुई थी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि उसके वहाँ से काट वट के हटा दूँ, जिससे नई लताएँ वहाँ तक पहुँचे तो अच्छा लगे। मैंने आज अचानक से देखा कि जो हमारी क्या कहते हैं, जो नीचे से जो लताएं ऊपर की तरफ जा रही थी और ऊपर से सूखी लताएं जो है लटकी हुई थी, दोनों का जो मेल था उसको देख के मेरे अंदर एक फिलॉसफी जागी, एक थॉट आया कि देखो ये सूखी लताएं भी कितना सहयोग कर रही हैं नई लताओं को ऊपर उठाने में, उनको ग्रोथ करने के लिए, उनकी हाथ को पकड़ के कैसे खींच रही हैं अपनी तरफ। और रियली बता रही हूँ, ये थॉट मुझे इतना ज़्यादा मतलब अच्छा सा फील कराया और बहुत सारी चीज़ें सोचने लगी मैं उन पे। मैं तुरंत फ़ोटो क्लिक की और तुरंत सोची एक वीडियो अभी बना देती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, जीवन में ना प्रकृति में कोई भी चीज़ कभी भी बेकार नहीं होती। वो सूख गई है तो भी उसका इस्तेमाल तरह तरह से लोग करते हैं। सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल घरों में खाना बनाने के लिए और ईंधन के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। हवन करने के समय लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, सूख जाने पे भी उनका इतना इस्तेमाल है। तो इसी तरीके से जीवन में कोई भी चीज़ किसी भी रूप में बेकार नहीं होती है। आपको सोचना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करें कि आपके जीवन में वो किस तरीके से आपको सहयोग करें। और एक तो ये तो बात हो गई, और मुझे उन दोनों को देखकर ऐसा फीलिंग आया जैसे वो बच्चा हो और वो उसकी माँ हो। उस तरीके से वो उसको संभाल रही है और पकड़ के ऊंचाई ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश कर रही है। हमारे जीवन में भी तो ऐसे ही होता है। जब हम छोटे होते हैं तो माँ कितनी भी तकलीफ़ में हो लेकिन तुरंत वो उंगली पकड़ लेती है। बड़े होने पर भी कितना सहारा देती है। हम कितने भी बड़े हो जाओ, अगर हमारे माँ बाप हैं तो वो हमेशा हमें हमेशा हमारे कितने भी हम परेशान होंगे ना, वो हमेशा बोलेंगे नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब वो हमेशा आपको सिर्फ अच्छा देंगे, अच्छा करेंगे, आपके जीवन को सहयोग करेंगे और आपको हमेशा ऊंचाई तक जाने के लिए प्रेरित करेंगे। जो माँ बाप होते हैं वो कभी आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो उनकी कब क्या ज़रूरत है इस घर में। तो आपको मैं बता दूँ, माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाए, मेरी माँ भी बहुत जितने भी एज की हो गई थी, लेकिन वो हमेशा सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती थी। लास्ट टाइम तक वो ऐसे ही करते करते चली गई, लेकिन उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आज भी मैं फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। मैं कोई भी तकलीफ़ में होती हूँ, बोलती हूँ मम्मा मेरा ये काम कर दो, आपको यकीन नहीं होगा, ऐसा लगता है फटाफट वो काम हो गया। तो ये ब्लेसिंग्स हमें हमेशा मिलता रहेगा। तो इसलिए आप एक कनेक्टिविटी बना के रखिए, जोड़ के रखिए, और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए, प्रकृति की बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये प्रकृति हमें सिर्फ देती है, सिर्फ देती है और सिर्फ देती है, कुछ नहीं लेती बदले में। बस थोड़ा प्यार हमें देने की ज़रूरत है। सबसे खूब प्यार कीजिए, खूब प्यार से रहिए, आप देखेंगे जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये ज़िंदगी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, क्योंकि थोड़ी बातें करती हूँ मैं लेकिन बातें काम की होती है। सो इसी बात के साथ, आज सैटरडे का दिन है, आपका दिन जो वीकेंड है बहुत अच्छा रहे, खुशमय रहे। आप सब अपने अच्छे अच्छे कामों के साथ अपने वीकेंड को मनाइए। एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।